तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर जब से सरकार बनाई है तब से बहुत सारी ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम बदलते हैं। आपको बता दें कि एक घटनाक्रम ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कैसे दूरी बढ़े और कैसे ये दोनों अलग हों, इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के कार्यशैली को लेकर के कई लोग उनसे अब इत्तेफाक रखने लगे हैं कि तेजस्वी यादव परिपक्व हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और ये पहले से वो नहीं चाह रहे थे, उनकी पूरी टीम चाह रही थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हों। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह की चर्चा चल रही है और जिस तरह का माहौल बना है वो साफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव को ऑफर पे ऑफर मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव को एक ऑफर है जिसमें नीतीश कुमार को छोड़ने और मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनाने की बात चल रही है। आपको बता दें आंकड़ों को लेकर के जिस तरह से आप पहले से जान रहे हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर परिणाम अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के पास मौजूद है। विकल्प भी बहुत सारे खुले हुए हैं जबकि नीतीश कुमार के पास विकल्पों का अब अकाल पड़ गया है। एनडीए को छोड़ करके नीतीश कुमार ने कहा जाए तो एक अपने लिए रास्ता जरूर चुना है लेकिन इस रास्ते में अब नीतीश कुमार के लिए मजबूरी है कि उन्हें तेजस्वी यादव के साथ ही चलना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव के पास बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ा ऑफर है जो कि दिल्ली से उन तक चल करके आया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव एक्शन में भी काफ़ी कुछ नज़र आया है और वो लगातार जनता से इंटरेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा है और कई ऐसी जो बातें हैं उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने विधायकों के लिए लागू किया है। लगातार वो जनता से मुलाकात भी कर रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन भी रहे हैं। इसके साथ ही अपने मंत्रियों को भी उन्होंने निर्देश दिया है कि जन समस्या को सुने और उसका त्वरित निष्पादन करने का भी प्रयास करें। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद पटना में बैठे हुए हैं, जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बना लेते हैं तब तक वो पटना से बाहर नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि इन सब के बीच में जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के उनके विरोधी सक्रिय हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाहेगी कि नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो जाए। उसके लिए तेजस्वी यादव को यदि मुख्यमंत्री भी बनाना हो तो भारतीय जनता पार्टी इससे चूकेगी नहीं, क्योंकि कई राज्यों में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अब भले ही विरोध में खड़ी हो लेकिन उसने फैसला लिया है जिससे कि सत्ता बदल गई है। महाराष्ट्र की बात कर लें या फिर अन्य राज्यों की बात कर लें, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी जब सरकार बनाने की बात आई तो उसने अपने सबसे प्रबल विरोधी के साथ भी सरकार बनाया था। वहीं मायावती से लेकर के झारखंड में हेमंत सोरेन तक सभी उसके उदाहरण हैं। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र पड़ गई है और उसकी रणनीति दिल्ली में बन रही है। इस रणनीति के तहत तेजस्वी यादव के सामने ऑफर है कि वो नीतीश कुमार को छोड़ें और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हों। अब देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव क्या फैसला करते हैं। हालांकि लालू प्रसाद और उनकी पूरी पार्टी चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हों। आंकड़ों की बात अगर करें तो तेजस्वी यादव के पास लगभग 7 से 8 या उससे भी कम कहा जाए, अगर जीतन राम मांझी का समर्थन उन्हें प्राप्त हो जाता है, अगर निर्दलीय का एक समर्थन प्राप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मात्र 4 से 5 सीटें घटेंगी। और इन सब के पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का प्रयास कर सकती है और जदयू के भीतर जो हंगामा मचा हुआ है, जो विद्रोह हो रहा है, वो भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मंत्री बनने के लिए अब तेजस्वी यादव में वो स्पार्क दिख रहा है और तेजस्वी यादव का यदि समर्थन करते हैं तो उन्हें मंत्री बनने का मौका भी मिलेगा। कई लोगों ने तो, कई विधायकों ने तो पार्टी से इस्तीफा देने तक की बात कह दी है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही है, उस बैठक के बाद क्या कुछ फैसला निकल करके आता है, क्या ये फैसला नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर लेकर के आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगली खबर में आपसे बिहार की राजनीति की एक और ऐसी ही अनछुई पहलू और कड़ी पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।